दोस्तों, मैं आ गया हूँ फिर से और एक नया वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम बात करेंगे काटसुमी उषा के बारे में। दोस्तों, काटसुमी उषा के बारे में जो रिमार्क्स फैला हुआ है, काटसुमी उषा मोहन बगान के लिए साइन कर चुका है, वो सही है या गलत है, मैं इसी वीडियो में वो बात करूँगा। तो वो जानना चाहते हो तो वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, काटसुमी उषा इस साल आई लीग में नेरोका एफसी की तरफ खेल चुका है और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। दोस्तों, काटसुमी उषा उससे पहले ईस्ट बंगाल के लिए खेलता था, उससे पहले मोहन बगान के लिए खेलता था। दोस्तों, इसीलिए मोहन बगान ने काटसुमी उषा को फिर से लेने के लिए बातचीत करा है। दोस्तों, काटसुमी उषा मोहन बगान को आई लीग में चैम्पियन किया था। दोस्तों, काटसुमी उषा एक बहुत ही अच्छा प्लेयर है। काटसुमी उषा अटैकिंग मिडफील्ड पोजीशन पर खेलता है। दोस्तों, आई लीग में जो इस साल चेन्नई सिटी चैम्पियन हुआ है, उसके साथ भी बातचीत चल रहा है। दोस्तों, चेन्नई सिटी और मोहन बगान जिसके साथ कॉन्टैक्ट होगा, उसी के साथ मोहन बगान में या चेन्नई सिटी एफसी में काटसुमी उषा चला जाएगा। दोस्तों, जब कंफर्म हो जाएगा तो आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा। दोस्तों, फुटबॉल से जुड़ी कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं आपको बता देने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।